आपके पास जो जनजाति कौन सी पेंटिंग भी सावन में हम लोगों के यहाँ नॉर्मली सभी लोग कथा करवाते हैं अपन, वो होगी उसके बाद में ये बेल पोला जिसको बोलते हैं ना, हाँ पोला पोला ये वही ये उसी का अभी अभी ओके है। तो उसका हमारे यहाँ पे पूजन करके छोटे जो घर के जो बच्चे हैं उनको एक तो वो दिया जाता है मतलब मीठी पूड़ी बना के और उसको करके कि वो आगे जनरेशन टू जनरेशन जाए, ये हमारे बाद में ये लोग रहेंगे ऐसा मान के जाता है। हरतालिका तीज ऋषि पंचमी ये सावन के चार शुक्रवार पूजे जाते हैं हमारे, उसका है गणेश जी बैठ गए हैं, गणेश जी के बाद ये चोल ग्यारस फुल है अनंत चौरस, ये जन्माष्टमी दही हंडी आपकी जो महाराष्ट्र में होती है ना हंडीपुर में, उसके बाद में अन ये होने के बाद ये अनंत चौरस यहाँ पे, ये अभी हमारे जो चल रहा है ना महालक्ष्मी महालक्ष्मी अंदर है ना, ये अंदर है अभी आपको दर्शन भी करवाता हूँ मैं, ये उसका मोमेंट है यहाँ पे। ऊपर भी मैंने एक बहुत बड़ा है क्योंकि यूएस वगैरह से बाहर से जो आते हैं ना उनको खाली ये रहता है कि हमें देखना है महालक्ष्मी, अच्छा तो मैंने एक खाली मोमेंट है उसका बना के रखा हुआ ऊपर, तो चलते हैं तो देखते हैं। ये नवरात्रि में हम लोग हाँ ले लीजिए, नवरात्रि में हम लोगों की एक परंपरा है कि हम किसी के यहाँ से बाहर पाँच घर जाएंगे बिना पैर कपड़े ये नहीं पहनना है जूते चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनना, नहाए सीधा निकल के जाना पाँच घरों से गुड़ चाव गेहूँ का आटा और घी और उसी से नवरात्रि की पूजा होती है जो अपने को भोग लगता है, तो ये वो लेने के और नाना जी के नाम पे क्योंकि अपना हम जिस परिवार से उसको छोड़ते हैं ननिहाल के लोगों के लिए वो एक जिस दिन आपके कार्तिक नवरात्र बैठता ना जो आगने वाली दशहरे के पहले वाली उसमें हमारे यहाँ पे एक ब्राह्मण को या किसी को बोला कि उनको मिठाई दही और पेड़ा उनके नाम से खानदान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो सर्वपित्रियों से हम सभी करते हैं ब्राह्मण अभी तो नवमी यहाँ सुहागन की डेथ हो जाती है तो वो यहाँ करते हैं अपन, ये है ये नवरात्रि है अपनी कार्तिक नवरात्र मतलब जो अभी आ रहा है आने वाला है। ललिता पंचमी उस दिन जो सिंदूर की डब्बी होती है ना उसकी पूजा होती है शांति की सिंदूर, ये अष्टमी पूजी जाती है, सब क्या पूछते हैं अलग अलग तरीके होते हैं हमारे चावल के आटे का पूरा चेहरा और लक्ष्मी खड़ी करके। उसके बाद ये आ गए आप यहाँ पे क्या बोलना चाहिए दशहरा पूजन और कोजा की शरद पूर्णिमा जो मनाते हैं, फिर छोटी दिवाली ये गोबारस धनतेरस छोटी दिवाली बड़ी दिवाली अमावस्या भाई दूज हमारे यहाँ चूँकि हमारे आराध्य शंकर जी है तो इनका स्थान मतलब इनका एक अवतार है महाराष्ट्र में जेजूरी नाम की जगह मल्लारी मारता ये हमारे छः दिन की वो एक इस दिन बाकी लोगों के भट्टे वट्टे कहीं नहीं चलते हमारे उस दिन भट्टे का ही भोग लगता है, भट्टे का ही भरता भट्टे की सब्जी कच्चा प्याज वही उसी का भोग लगता है, ये हो गया। उसके बाद में ये देवउठनी ग्यारस उसमें तुलसी विवाह होता है अपना, उसके बाद में त्रिपुरारी पूर्णिमा जिसमें ब्रह्मा विष्णु है तीनों को एक ही दिन अपन पूजा कर सकते हैं, ये दत्त जयंती जो कि महाराष्ट्रीयन है दत्त जयंती मनाती है। किधर है आपका तिल गणेश जो आप मनाते हुआ है, फिर है रामदास नवमी महाशिवरात्रि संक्रांत, उसके बाद में डांडी पूर्णिमा होली का डांडा काटते हैं अपन, वो होली जलाते हैं होली लास्ट त्यौहार होता है फिर पकड़ता है मेरी बहन की अच्छे से रक्षा सुरक्षा करना ये उसका छोटा ही रहता है नॉर्मली भाई जो भी छोटा हो 5 साल से लेकर 15 साल तक भी हो वो परंपरा है। उसके बाद मधुपर्क जिसमें अपन विष्णु मान के दामाद के पैर धोते हैं वो हो गया, ये है कन्यादान के स्टेप, फिर कंकन कंकन बांधते हैं ना वो है मंगलसूत्र लाजा हूँ लाजा हूँ के बाद वो है सप्तपदी बोलते हैं मैंने 7 कदम चलाया चलाया जाता है पति के मतलब होने वाले पति से साथ हाथ पकड़ के वो चलवाया जाता है, फिर उस समय जाके पहली बार सासू माँ अपनी बहू का मुख देख के आईने में बेटे बहू के साथ वो हो गया ध्रुव तारा दर्शन। उसके बाद में झाल बजाना तो जिम्मेदारी लड़की वाले उस दिन जो खाना बनता है वो 16 दिए रख के उसकी पूजा की जाती है, प्रयास होता है कि कुछ अलग किया जाए हर साल एक ही अलग है डेडिकेशन जिसको कहते हैं ना वो है और हर चीज को आप बहुत ही बारीकी से समझते हैं और उसको उकेर लेते हैं सबसे नहीं उकेरने के साथ क्या है साल मेरा ये मानना है